हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स और आज की स्वीडियो में बात करेंगे हम इन्फेक्शन के बारे में जो सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी या फिर फंडामेंटल ऑफ जो नर्सिंग है उसके अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूडेड होता है जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी एस नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर डेफिनेशन इसकी द लोजमेंट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टू ह्यूमन बॉडी टिश्यूज इज कॉल्ड इन्फेक्शन मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के टिश्यू में इंटर करता है ठीक है और लॉजमेन वहाँ पर रहता है और मल्टीप्लीकेशन करता है अपनी जनसंख्या में जो है संख्या में मल्टीप्लीकेशन करता है उसको कहेंगे हम इन्फेक्शन ठीक है नेक्स्ट इसका कम्युनिकेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन मतलब कि पेथोजन है उसकी जो एबिलिटी है उसके थ्रू ही क्या है वन पर्सन से अनादर जो पर्सन में क्या है इन्फेक्शन क्या है कम्युनिकेट होगा तो ये था इसका सेकेंड पॉइंट ठीक है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन तो सबसे पहले पहला टाइप्स है इसका प्राइमरी इन्फेक्शन ठीक है सबसे पहला इसका तो जो है टाइप्स वो है प्राइमरी इन्फेक्शन हम इसके अंदर सिर्फ जो मेन मेन जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है इन्फेक्शन के वही देखेंगे ठीक है नेक्स्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन नेक्स्ट हमारा जो तो, कौन सा टाइप है सेकेंडरी इन्फेक्शन नेक्स्ट थर्ड है नोजोकोमियल इन्फेक्शन इसको कहेंगे हम हॉस्पिटल अक्वाड इन्फेक्शन भी कहते हैं या फिर हेल्थ केयर सेटिंग के थ्रू जो भी इन्फेक्शन होता है उसको कह गया नोजोकोमियल इन्फेक्शन नेक्स्ट है फोकल इंफेक्शन नेक्स्ट इट्रोजेनिक इंफेक्शन एंड लास्ट वन क्रॉस इंफेक्शन यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन ही दिखाई दे रहे हैं ठीक है मेनली मेन जो इन्फेक्शन है यहाँ पे री इन्फेक्शन भी आता है एटोनिक इन्फेक्शन भी आता है बहुत से इन्फेक्शन होते हैं वो भी इंक्लूडेड नहीं किए गए है मेन मेन जो इन्फेक्शन है वो ही इंक्लूडेड किए गए हैं ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्सपोजर ऑफ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि कोई ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है और इन्फेक्शन कर रहा है तो उसको कहेंगे हम प्राइमरी इन्फेक्शन नेक्स्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है यदि कोई इन्फेक्शन न्यू इंफेक्शन किसी ऑलरेडी इंफेक्टेड पर्सन में इंटर करता है तो उसको कहेंगे हम सेकेंडरी इंफेक्शन इसकी डेफिनेशन है अ न्यू इंफेक्शन विच अकर लॉ बाय प्री एक्जिस्टिंग इंफेक्शियस डिजीज और प्राइमरी इंफेक्शन ठीक है कोई ह्यूमन पर्सन है ठीक है उसके अंदर ऑलरेडी कोई इंफेक्शन है इसके बाद कोई अनादर कोई इंफेक्शन इंक्लूड होता है अंदर बॉडी में इंटर करता है तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी इन्फेक्शन हमारा सेकेंड इसका टाइप नेक्स्ट थर्ड है हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन ठीक है हॉस्पिटल अक्वाड इन्फेक्शन भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल अक्वायर्ड इंफेक्शन अक्रॉस इंफेक्शन विच अक्वायर्ड इन टू हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर साइटिंग कॉल्ड नोजोकोमियल इंफेक्शन मतलब कि ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के द्वारा फैलता है और हेल्थ केयर सेटिंग के थ्रू फैलता है तो उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन नेक्स्ट हमारा है फोकल इन्फेक्शन इन्फेक्शन एट अ लोकलाइज साइट यानी इन्फेक्शन कौन सी साइट होगा लोकलाइज साइट पे ही होगा जैसे अपेंडिसाइटिस ठीक है नेक्स्ट है इंट्रोजेनिक इन्फेक्शन इन्फेक्शन टू पेशेंट बाय एक्टिविटीज ऑफ सर्जन और फिजिशियन ड्यूरिंग मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेशन मतलब कि ऐसा इन्फेक्शन जो सर्जन और फिजिशियन ठीक है उसके द्वारा मेडिकल या फिर सर्जिकल कोई भी एक्टिविटी करते हैं सर्जरी हुई है उसके थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसको कहेंगे एट्रोजेनिक इन्फेक्शन नेक्स्ट है क्रॉस इन्फेक्शन नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स वो है क्रॉस इन्फेक्शन इन्फेक्शन टू द पेशेंट फ्रॉम अनादर इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन किससे होगा अनादर अनहेल्दी पर्सन से मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन को टच करेगा या फिर कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो हेल्दी पर्सन क्या इन्फेक्टेड हो जाएगा तो इस तरीके से हमारे सिक्स क्या मेन इन्फेक्शन के टाइप हमने देख लिए। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफेक्शन सबसे पहला है सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या है ह्यूमन सबसे मेन कॉमन है ह्यूमन नेक्स्ट एनिमल नेक्स्ट हमारा सोर्सेस है इन्फेक्शन का वो है एनिमल एंड वेक्टर्स थर्ड है हमारा सोर्सेस वेक्टर नेक्स्ट इंसेक्ट्स जो भी इंसेक्ट्स आते हैं ठीक है थीके? उनके थ्रू तो हमारा क्या है इंफेक्शन फैलता है इसके बाद फूड वाटर एंड सोयल फूड के थ्रू भी हमारा क्या है इंफेक्शन फैलेगा वाटर के थ्रू भी फैलेगा और सॉइल के थ्रू भी फैलेगा तो इस तरीके से हमारा क्या है सोर्स होते हैं इंफेक्शन फैलने के सोर्सेज है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे मूड ऑफ इंफेक्शन सोर्सेज और मूड और इंफेक्शन सेम ही है लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस इसके अंदर तो सबसे पहला है कांटेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। मूड ऑफ इन्फेक्शन का जो सबसे पहला है कांटेक्ट, सेकेंड है ड्रॉपलेट, नेक्स्ट मूड्स है सेकेंड है ड्रॉपलेट, थर्ड है एयरबोन जो एयरबोन जो डिजीज होती है वो मेनली इसके थ्रू ही एयरबोन के कारण ठीक है नेक्स्ट है ठीक है इस तरीके से हमारा क्या है मूड ऑफ इंफेक्शन होता है तो ये थे हमारे इंफेक्शन की डेफिनेशन इंफेक्शन के टाइप्स सोर्सेस ऑफ इंफेक्शन एंड मूड्स ऑफ इंफेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंफेक्शन कंट्रोल और इसके जो भी अलग अलग जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहाँ से जाके आप देख सकते हो और माइक्रोबायोलॉजी के और फंडामेंटल ऑफ जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हो ठीक है थैंक यू